दोस्तों, अब ये 14 बजे हैं और मैं कितने बजे, हाँ 8:10 को उठी थी। और ना और भी चीज़ें बतानी है गतू। तो और भी चीज़ें बतानी है। हाँ दीदी ने कहा था मुझे कि आज तू हमारे साथ सोना, हम लूडो खेले के, मगर मैं जल्दी सो गई थी क्योंकि मुझे नींद आती है, वो लेट सोते तो इसलिए तो मुझे नहीं है कि मैं वजह सो जाऊँगी, वो लेट होते हैं इसलिए मैं उनके साथ लूडो नहीं खेल पाई। और ना वो चीज़ें मेरे को याद तो नहीं आ रही है क्या बोलना था। हाँ मेरे को आपको बताना था कि मैं कितने बजे सोई थी आज। आज मैं सोई थी 10:40। हाँ आज मैं 10:30 को सोई थी। हाँ आज मैं 10:30 को सोई थी आज 10:30 को। और उठने का टाइम तो बता दिया, और भी चीज़ें बतानी है मुझे आपको, ठीक है। ये बतानी है कि दादाजी ने फोन उठाया तो उससे मैं उठ गई थी, मगर फिर मैंने सोचा तो सोचा कि कौन उठेगा इतनी जल्दी, तो फिर मैं सो गई थी। वो पापा से फिर दादी ने गेट बंद किया था जोर से, तो उससे भी मैं उठ गई थी। है ना, तो मुझे लगा कि दादी उठ गई होगी और जा रही होगी, मगर फिर दादी उठ के वापस से आगे सो गई थी, तो मेरे को पता नहीं चला था। फिर दादी ने मुझे बोला कि दादाजी ने अलाउड बंद कर दिया है, तू ओल ले पूरा, तो उससे मुझे पता चल गया कि दादी तो सो गई वापस से। और मेरे को तो सब पहले याद था, मगर फिर मैं पापा से भूल गई थी क्योंकि ना अब मैं घेरने में सो गई थी, है ना। और भी चीज़ें साथ से बतानी है। जैसी गाड़ी वाड़ी ले आते उधर से, फिर दादाजी के पापा से फोन लगा, दादाजी ने और मेरे दादाजी ने बोला था कुछ को और पापा से फोन लगाया तो उससे भी मैं पास उठती थी। और मैंने दीदी भैया को थोड़ा सा देखा था, दीदी भैया को मैंने, और फिर पापा से सोई थी। तो चलो यही आपको बताना था, अभी मेरे को याद आएगा कि क्या बताना था तो आपको बता दूंगी। तो चलो अभी के लिए बाय बाय, और याद रखना कि मैं 8:10 को सोई थी। हेलो, बाय बाय।